तो सारी तस्वीरें आपके सामने हैं। आपको बता दें कि मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक पहले लोकसभा में पारित किया गया था, लेकिन राज्यसभा में इसे पारित नहीं किया गया। कड़ा विरोध इस बिल के माध्यम से देखा गया। इसके बाद सरकार इस विषय पर अध्यादेश लेकर आई, जिसे राष्ट्रपति ने मंजूरी दी। जब बात अध्यादेश की लगातार करते हैं, तो अध्यादेश में यहाँ पर लगातार मांग की जा रही है ज्यादातर हिंदू संगठनों की तरफ से कि राम मंदिर मुद्दे पर भी अध्यादेश लाएं, लेकिन उस पर भी कांग्रेस लगातार यही बात कह रही है कि राम मंदिर मुद्दे को लेकर भी सिर्फ चुनावी माहौल बनाने की लगातार कोशिश की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि अगर मुस्लिम महिला तीन तलाक विधेयक को अगर पारित नहीं किया गया, तो आने वाले समय पर अगर राम मंदिर को लेकर भी कानून बनाया जाता है, तो क्या कुछ आने वाले समय में स्थिति देखी जाएगी। सभी को पता है विधानसभा चुनावों का नतीजा क्या रहा, कांग्रेस ने किस तरह बाजी पलटते हुए राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी को झटका दिया था। उसके बाद सबसे पहली रणनीति जो बीजेपी की तरफ से देखी जा रही वो है 2019 को लेकर, और लगातार राफेल को लेकर मोदी सरकार पहले से भी घिरी हुई है। ऐसे में अगर जो कांग्रेस बता रही है कि चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश तीन तलाक को लेकर की जा रही, अगर ऐसे में बिल पारित नहीं होता है, तो एक बहुत बड़ा सवाल निशान खड़ा हो सकता है इस पूरे मसले को लेकर। एक तरफ जहां महिलाओं को अधिकार दिलाने की बात की जाती, वहीं दूसरी ओर अगर देखा जाए तो कुछ पक्ष ऐसे भी हैं जो कड़ा विरोध दिखा रहे हैं। सवाल उठता है, क्या वो महिलाओं के अधिकारों के पक्ष में नहीं है, या वो खुद चुनावी माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि ऐसे में कांग्रेस जिस स्थिति में दिखाई दे रही है, क्योंकि ना वो स्पष्ट रूप से इस बिल के को लेकर बहुमत के सामने आ रही है, और ना ही उसका बिल्कुल खुले तौर पर विरोध कर रही है। कहीं ना कहीं एक असमंजस की स्थिति कांग्रेस के पक्ष में देखी जा रही है। तो तीन तलाक को लेकर सारे पहलुओं को तराशेंगे, लेकिन तारुफ करा दूं बैठे सभी मेहमानों से आपका। हमारे साथ मौजूद है प्रभात रंजन दीन जी, एग्जीक्यूटिव एडिटर है इंडिया वॉच के। इसके साथ ही शाइस्ता अंबर जी मौजूद है, AIMWPLB से मौजूद है, IP सिंह मौजूद है बीजेपी से, BD नकवी जी मौजूद है, पूर्व जज है, प्रमोद गोस्वामी जी वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है, फरत रहीस खान मौजूद है प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया से। सीधा स्वागत करूंगी आप सभी का युद्धघोष के मंच पे। सबसे पहला सवाल प्रभात रंजन दीन आपसे पूछना चाहूंगी, जिस तरह तीन तलाक को लेकर लगातार कांग्रेस स्पष्ट रूप से सामने नहीं आ रही है, बैकफुट पे लगातार खेलने की कोशिश की जा रही है, तीन तलाक को लेकर जिस तरह से स्थगित कर दिया गया और शशि थरूर का बयान सामने आ रहा है कि इस बिल को पेश ही नहीं होना चाहिए, क्या कुछ कहेंगे आप? नहीं, कांग्रेस का जो रुख है उससे बात शुरू करने के पहले मैं ये बात कह दूं कि जो विधेयक लाने की बात चल रही है और जिस मुद्दे पर अध्यादेश लाया गया, इस पर पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय दे दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये जो है तीन तलाक का जो विषय है ये असंवैधानिक मामला है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और इस पर सरकार को कानून लाना चाहिए। तो ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पहले ही हरी झंडी मिल गई थी, और इसीलिए आप देखेंगे कि कांग्रेस भी इस विषय पे वो उसके सारे तुष्टिकरण और वो सब सारी जो पॉलिसी है वो किनारे है, लेकिन तीन तलाक के विषय पर वो बहुत खुल के सामने नहीं आ रही है। इसका मतलब है कि वो उसने भी कुछ संशोधन कराए हैं और वो भी इस विधेयक के पक्ष में ही है। जहां तक शशि थरूर का मसला है तो वो अभी तक वो पार्टी का मसला नहीं है, वो शशि थरूर का व्यक्तिगत मसला है। और मैं ये मानता हूं कि यह जो तीन तलाक का विषय है और इस पर पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना मंतव्य दिया, उसके बाद जो सरकार अध्यादेश लेके आई, सरकार के सामने एक इस पर थोड़ा सा स्पष्टीकरण बीजेपी की तरफ से आएगा, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है और जो हम लोगों का जो फीडबैक है उसमें यह है कि अध्यादेश लाने के बावजूद जी तीन तलाक का जो चलन है उसकी जो प्रक्रिया है वो बंद नहीं हो रही थी, और उस पर सरकार के सामने एक व्यवस्था थी कि वो कानून लाए और कानून लाकर इस पर एक कारगर अंकुश लगाए। इस वजह से
यह बिल लाया जा रहा है, लेकिन कल का जो डेवलपमेंट है, जिस विषय पर हम लोग आज बैठे हैं और इस पर बात कर रहे हैं, वो दरअसल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो कल रुख अपनाया, हम लोग दरअसल उसको लेके बैठे हैं, बात कर रहे हैं। और पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि अगर सरकार विधेयक लाती है, बिल अगर कानून बनाती है, तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो ये बात थोड़ी अटकती है कि जब सुप्रीम कोर्ट खुद कह चुका है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है, कानून बन जाने के बाद फिर कोर्ट में जाने के बाद कानून के तहत ही तो कोर्ट चलेगा, तो चलेगा। तो इस वजह से थोड़ा एक मसला आया कि इस पर हम लोग आपस में बात करें कि आखिर एक रोशनी दिखाई पड़े कि आखिर ये मसला कहां जा रहा है, किस तरफ जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होता है वो मान्य तो करते हैं, क्योंकि सबकी तरफ से बात ये थी कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुप्रीम है, लेकिन कहीं ना कहीं स्थिति अटकती नजर आती, हजम नहीं की जाती। अगर देखा जाए जिस तरह से कड़ा विरोध तीन तलाक को लेकर देखा जा रहा है, बीजेपी की तरफ से मौजूद हमारे साथ आईपी सिंह, क्या कुछ पक्ष रखना चाहेंगे आप? देखिए, मामला अगर देखा जाए तो पब्लिक डोमेन में लगभग 3 दशक हो गए जी, जब तीन तलाक को लेकर लगातार कांग्रेस की हुकूमत रही और रोल बैक किया। लेकिन वो दिन भारत के इतिहास का ऐतिहासिक दिन था, अगस्त 2017, जब 3 तलाक को देश की सर्वोच्च अदालत ने अवैध करार दे दिया। यही एक कारण था कि माननीय प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी इसको लेकर आगे बढ़े, और महिलाओं के साथ जिस तरह का अन्याय हो रहा था कि जब जब समझ में आया और घर में बैठी बिठाई पत्नी हो, बहन हो, बेटी हो, तलाक तलाक तलाक, और उसका जीवन तबाह हो जाता था, हलाला से लेकर तमाम जो कुरीतियां हैं उन कुरीतियों को लेकर शरीयत कानून के आड़ में तमाम मामले चलते रहे। लेकिन भारत विभाजन के बाद जो पाकिस्तान अस्तित्व में आया, या बांग्लादेश अस्तित्व में आया, या दुनिया के ऐसे छोटे बड़े 62 मुल्क हैं जहां 3 तलाक की प्रथा नहीं है, उसके बाद में भारत में उस पर चर्चा होती है, कांग्रेस पीछे से खेलती है। मैं बिल्कुल असहमत हो सकता हूं कि शशि थरूर के हर बात पर कांग्रेस उनकी पीठ थपथपाती है, राहुल गांधी उनके साथ खड़े होते हैं, श्रीमती सोनिया गांधी उनके साथ खड़ी होती है, तो थपथपाई जाती है। लेकिन लगातार बीजेपी की तरफ से यही सवाल आते कि उनका निजी और व्यक्तिगत बयान है। हमारे साथ शाहिस्ता अंबर जी मौजूद है, अध्यक्ष AIIMWPLB से। मैम, क्या कुछ पक्ष रखना चाहेंगे आप पहले तो 3 तलाक को लेकर? पहली बात तो मैं ये इसका स्वागत करूंगी कि अब ये आखिरी सत्र चल रहा है शीर्ष सत्र, इसमें तलाक पर चर्चा हुई और इस पर बिल रखा गया। मैं समझती हूँ कि देश के सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च अदालत का जो फैसला आया था 3 तलाक बैन, ये देश की इतिहास का एक सुनहरा दिन था। और जो औरतें पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे हिंदुस्तान हो, यहाँ पे तलाक की एक ऐसी प्रथा चली थी जो कुरान शरीफ के कानून के खिलाफ चल रही थी, जिसको पाकिस्तान ने भी सुधारा, बांग्लादेश ने भी सुधारा, और लेकिन हमारे हिंदुस्तान में जाने किस बात की अकड़ है कि हमारा इस्लाम चलेगा और कुरान शरीफ जो कह रहा है उसका नहीं चलेगा। और ये कहा जाता है कि हमारी शरीयत में कोई दखल ना हो। अरे शरीयत कुरान पाक का अहकाम, कुरान पाक का कानून ही शरीयत है। जब कुरान पाक कह रहा है कि 3 तलाक 3 महीने में सोच समझ के काउंसलिंग और गवाहों में हो, तब क्यों सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी तलाक हो रहे थे? जब मजबूर होकर के सुप्रीम कोर्ट ने जब कह दिया कि ये 3 तलाक जो हमने फैसला दिया बैन, ये लाइट ऑफ कुरान है, लाइट ऑफ शरीयत है और कॉन्स्टिट्यूशन के भी मैच में है, तो इसको सबको मान लेना चाहिए। और जब कानून बनने की बात आई तो सब लोगों ने आफत मचा दिया। मैं करना चाहूंगी, जो नहीं मान रहे हैं, क्या लगता है उनकी मंशा क्या हो सकती है कि आखिर क्यों नहीं मान रहे हैं? वो सिर्फ अपनी चौधराहट जी करना चाहते हैं, और ये चौधराहट इनकी खत्म हो चुकी है, क्योंकि आज हमारी हिंदू बहनें भी कुरान पाक के कानून को अच्छी तरह समझ गई हैं, और वो भी चाहती हैं, जो समाज से भी हमारी हिंदू बहनें समाज सेवी हैं, और वो मुसलमान औरतों के तलाक से पीड़ित परिवार से परेशान हैं, वो रोजाना फैमिली कोर्ट और अदालतों में, महिला आयोग में, थाने में सवाल ही उठाए जाते हैं कि जिस तरह से विरोध किया जा रहा है, तो अपनी दुकानें चलाने के लिए ये सिर्फ ऐसे कुछ लोग हैं, कुछ संगठन है जो इसका कड़ा विरोध कर रहे हैं। फरद रईस खान मौजूद है, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया से, क्या कुछ पक्ष रखेंगे आप? देखिए, ऐसा है